हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो मेरे पास डिवाइस है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी नोट 8। आज हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 है, स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर है, ठीक हो गया। आज हम सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 के अंदर पबजी मोबाइल को प्ले करेंगे, ग्राफिक्स देखेंगे, FPS देखेंगे, जायरोस्कोप देखेंगे। ये जो मेरे पास स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है ये यू मॉडल है और USA मॉडल है, ठीक हो गया। और जो F मॉडल होता है उसके अंदर एक्सिनोस प्रोसेसर होता है, ये यू मॉडल है इसलिए इसके अंदर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है और इसलिए इसके अंदर पबजी मोबाइल बहुत ही हाई ग्राफिक्स में चलने वाली है और FPS में भी, ठीक हो गया। 64GB एंड 6GB इंटरनल स्टोरेज है, ये ऑफिशियल PTA भी है, ठीक हो गया। और यू मॉडल है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर सैमसंग गैलेक्सी नोट 8। और आप इस देख सकते हैं मेरे पास इसका एस पेन भी है, ऑफिशियल एस पेन है, ठीक हो गया। और ब्राइटनेस भी मैंने इंक्रीज़ कर लिया। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ पे आपको स्क्रीन कोडिंग की ऑप्शन नहीं मिलेगी, आपको गेमिंग मोड में यहाँ पर आके स्क्रीन कोडिंग ऑन करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। अभी मैं गेम स्टार्टिंग से पहले आपको बैटरी टाइमिंग भी दिखाऊँगा, जायरोस्कोप भी दिखाऊँगा और आपको स्क्रीन कोडिंग भी प्ले करके दिखाऊँगा और लास्ट में उसका वीडियो भी दिखाऊँगा, ठीक हो गया। और अब आप देख सकते हैं हमारी PUBG मोबाइल प्ले हो रही है सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में। और अब आप देख सकते हैं हमारी PUBG मोबाइल कितनी इजीली और जल्दी क्विक प्ले हो चुकी है, ऑन हो चुकी है। और अब हम सबसे पहले यहाँ पे डेली रिवॉर्ड कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद हम ग्राफिक्स में देखते हैं, आप देख सकते हैं 60 FPS, मैंने कोई फाइल नहीं लगाई, कोई क्रैक वर्जन, कोई कुछ भी नहीं है कि अब ये ओरिजिनल ऑफिशियल है ये डिवाइस, ठीक हो गया। और आप देख सकते हैं HDR के साथ अल्ट्रा जा रही है, यानी कि HDR के साथ भी 30 FPS और 60 FPS वैसे एक्सट्रीम पे हमें मिल रहा है। और जो एक्सिनोस प्रोसेसर है उसके अंदर हमें हाई तक जाते हैं ग्राफिक्स, ठीक हो गया, स्मूथ प्लस हाई। और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में हमें स्मूथ प्लस एक्सट्रीम 60 FPS देखने को मिलते हैं, ठीक हो गया। बैटरी टाइमिंग में आपको दिखा देता हूँ, 45% पे मैंने स्टार्ट किया और यहाँ से स्क्रीन कोडिंग आप ऑन कर सकते हैं। मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ, हमारी स्क्रीन कोडिंग प्ले हो चुकी है, ऑन हो चुकी है, ये देख सकते हैं टाइमर चल रहा है। और यहाँ पे आपको कोई स्क्रीन कोडिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ना फेस कैम का आपको मिल सकता है अगर आप इस गेम बूस्टर की सेटिंग में जाएंगे तो आपको मिल सकता है। और 1080 पिक्सल पे स्क्रीन कोडिंग होती है। और आप देख सकते हैं इस स्नैपड्रैगन में, आपको सबसे पहले जायरोस्कोप भी ऑन करके दिखा देता हूँ, ठीक हो गया, जायरोस्कोप ऑफ है। अब चलते हैं हम सेटिंग्स में, जायरोस्कोप ऑन करते हैं और फिर आपको कम्प्लीटली देख सकते हैं, मैंने जायरोस्कोप पहले ऑन कर, बल्कि ऑन कर ही लेता हूँ। यहाँ से व्यू, यहाँ पे आपने व्यू ऑल पे जाना और नीचे स्वाइप करना और यहाँ पे जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन पे क्लिक कर देना। मैंने स्कोप ऑन पे किया था इसलिए वो इनेबल नहीं था। तो आप देख सकते हो बहुत ही मज़े का जायरोस्कोप है और ये एक्सिनोस प्रोसेसर से F मॉडल से बहुत ही मज़े की गेम चल रही है, ठीक हो गया। ये 6 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 का, इसलिए बहुत ही मज़े की इसके अंदर PUBG मोबाइल भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक हो गया। आप देख सकते हैं जायरोस्कोप भी बहुत मज़े का, आपने कंप्लीट मेरी ये वीडियो देख के जानी तभी आपको पता चलेगा स्क्रीन कोडिंग के साथ जायरोस्कोप के साथ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर में सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 क्या स्टिल वर्किंग कर रहा है कि नहीं, बहुत ही अच्छा हमें दे रहा है कि नहीं पबजी टाइम और बैटरी टाइमिंग वगैरह के लिहाज से, ठीक हो गया। आपने मेरी गेम देखनी है, मुझे पता है मेरी गेम इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आपने मेरी लाजमी पूरी गेम देख कर जानी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर मेरे को जरूर सब्सक्राइब करें, कंप्लीट मैच देख के जाना है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मैं इस तरह की डिवाइसेज और लाता रहूँगा आपके लिए।
Team is about to win.